Good morning, friends. I know that the chapter unit number 2 have a activity are not there, but we activity are very complicated. उसे हमें लिख के करना पड़ेगा. That's why आज हम chapter unit number 3 लेंगे और जो सारी activities है उसकी सारी में photos होंगी वो आपको next chapter में या जो next हमारा lecture होगा उसमें लिख के आपको या आपके group में send कर दूंगी. So the sports उनके बारे में हम कहेंगे. अलग अलग sports है उनके बारे में हम जानेंगे. Dreams, a dream, a dream, a dream. Dream of the people, dream of the people, dream of the tree, dream of the tree, dream of the land. Dreams means सपना. सपना किस किस का आता है? Dream of the people, dream of the tree, dream of the land. Dream of the grow big, dream of the grow rich. हमें क्या है, कौन कौन से सपने आते हैं? कि हमें big, बड़े होने के सपने आते हैं. हमें पैसे वाले बनने के सपने आते हैं. Dream to propose, prosper, उनको बड़ा होने के लिए, बहुत ही नामचीन होने के लिए ड्रीम आता है. नाउ एंड ड्रीम ऑफ पीस, अब हमारी शांति की जो हम आते हैं उनके ड्रीम आता है. ड्रीम ऑफ द कंट्री, हमें हमारी नेशन के बारे में, कंट्री के बारे में होते हैं. ड्रीम एंड इट्स ग्रोथ, अब कंट्री और उसकी ग्रोथ के बारे में आता है. ड्रीम ऑफ लव, हमें प्यार के बारे में ड्रीम आते हैं. एंड ड्रीम ऑफ होप, हमें जो सपने आते हैं वो होप होता है. ड्रीम 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 ऑल ऑफ द कैम ट्रू, हमारे सारे ड्रीम है वो एक दिन क्या होंगे, ट्रू हो जाएंगे. तो ड्रीम इज ग्रू, ड्रीम इज सो. तो एस्टर सिम्यूल्स, एस्टर सिम्यूल्स ने ये लिखी है जो हमारे सपने हैं उनके बारे में, कि हम कौन कौन से सपने देखते हैं और हमारे सारे सपने एक दिन सच होने वाले हैं. एक होप होती है कि हमारे सपने सच हो जाएंगे. एक्टिविटी टू, पोयम रेफर डिफरेंट ड्रीम्स. व्हाट डू यू थिंक द ड्रीम्स ऑफ होप, ड्रीम्स ऑफ पीस लुक लाइक? Write the dreams of hope and dreams of peace. अब तुम लोगों के dreams of hope और dreams of peace, आप कौन कौन सी चीज़ें होंगी? अब dreams of hope means के हमारा देश कभी आगे बढ़ जाएगा, हम ये कर देंगे, हमारे पास कभी ऐसा होगा, तो that is hope. हमें एक hope है हमारी चीज़ों से कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, that is dreams of hope. तुम लोगों को जो भी लगता है कि ये सारी hopeable चीज़ है कि आप इसमें hope कर सकते हो. और dream of peace कि शांति होने से कौन कौन सी चीज़ें आती है, किसके लिए माइंड की शांति होगी, किसके लिए नेचर होगा वो पीस होगा, किसके लिए झगड़ा होगा वो पीस होगा. तो व्हाट इज पीस, उसके बारे में आपको लिखना है. व्हाट इज योर ड्रीम, आपको आपका क्या ड्रीम है उनके बारे में लिखना है. बड़े होके मैं ये बनूंगा, बड़े होके मैं वह बनूंगा, अभी मेरा ड्रीम ये है, अभी मैं 90% लाऊंगा. तो व्हाट इज योर ड्रीम, प्रेजेंट ड्रीम, फ्यूचर ड्रीम आपको जो है आपको लिखना है. वर्क इन अ ग्रुप, फाइंड आउट द सिमिलर ड्रीम, डिस्कस द सिमिलर वर्ड एंड डिफरेंट ऑफ योर ड्रीम. तुम लोगों को देखना है कौन कौन से ड्रीम्स है आजू बाजू. द एक्टिविटी थ्री, हियर वी आर डिस्क्रिप्शन अ गेम ऑफ विच ऑफ कन्फ्यूज अ स्टडी इन इंफॉर्मेशन गिवन बिलो. हमें बहुत ही कन्फ्यूज करते हैं वो सारे. एक जैसे स्पोर्ट्स होते हैं पर वो अलग अलग होते हैं. सो टेके वुडो, इट इज द मॉडर्न मार्शल आर्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक बाय फास्ट हाई स्पिनिंग किक एंड टेके वुडो मीन्स. ओके, टेके वुडो मीन्स क्या होता है? टेक वुडो मीन्स के ये चाइनीज में मोस्ट ऑफली होते हैं. क्या होता है? एकदम फास्ट एंड स्पाइन किक, किक से मारे जाते हैं, मार्शल आर्ट्स है. मार्शल आर्ट्स है उनमें पोस्चर अलग अलग होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं. जो हमारी फास्ट होती है और हाई किक होती है उसे टेकेडो कहते हैं. द आर्ट ऑफ किकिंग एंड पंचिंग, जो आर्ट होती है और किक और पंच करने की होती है उसे टेकवाडो कहते हैं. द आर्ट ऑफ अनआर्म्ड कॉम्बैट, द स्पोर्ट ओरिजिन एंड द कोरिया इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मॉडर्न मार्शल आर्ट्स. कोरिया है वो सबसे ज्यादा मार्शल आर्ट के लिए पॉपुलर है, टेकवाडो के लिए. देन द कराटे, कराटे इज हार्ड फ्रॉम द मार्शल आर्ट ऑफ द जापानीज ओरिजिन. मोस्ट टेकवाडो इज अ कोरियन ओरिजिन. नाउ द कराटे इज हार्डर देन मार्टियल आर्ट्स, मार्शल आर्ट्स से ज्यादा डिफिकल्ट है और जो जापानीज ओरिजिन में है. इट इज स्ट्राइक आर्ट यूजिंग द पंचिंग किकिंग नी एल्बो स्ट्राइक ऑन अ ओपोनेंट्स बॉडी. अब हमारी ओपोनेंट बॉडी के जो हमारे नी है
उनकी उनको किक करना, पंच करना और स्ट्राइक करना, उसके बारे में कराटे में आता है। कराटे प्रैक्टिशनर इज कॉल्ड कराटेका, जो हमारे प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिसर कराते हैं, नर इज कॉल्ड कराटिकास। तो जूडो, जूडो है वो कैसे होता है, जूडो में कॉन्टेक्ट होता है, उसे पंच करके निकाल देना। अ जेंटल फॉर्म ऑफ द मार्शल आर्ट, अगेन इट इज जापानी ओरिजिन, इट इज मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द कॉम्पिटिटिव एलिमेंट एंड विच इज ऑब्जेक्ट इज थ्रो ऑन ओपोनेंट एंड ग्राउंड एंड इमर्सल ऑफ द सन और सब्यूक्यूव ओपोनेंट। अब क्या करना है कि आपके ओपोनेंट को गिरा देने की जो होती है वो जूडो में, तो जूडो में जो आपकी बैक होती है वो जो सरफेस या जमीन को टच हो जाए मींस के वो आउट होता है। सो हमारे कॉम्पिटिटेड होती है कि वो सामने वाला गिरा है या हमारे गिरा है, तो वैसा होता है, उसमें कोई हार्डशिप नहीं होती, मोस्ट ऑफली कॉम्पिटिटेड जूडो होते हैं। सो एक्टिविटी फॉर, हैव यू हर्ड एंड रीड समथिंग अबाउट द डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स, आपने कभी सुना है कि डिसेबिलिटी स्पोर्ट है? अभी कौन बनेगा करोड़पति तुम लोग देख रहे होगे, तो वहाँ पे एक महिला आई थी कि डिसेबल्ड होते होने के बावजूद भी उन्होंने पूरा जो कितने सारे पहाड़ चढ़े। ऐसे ही डिसेबल्ड सॉल्ट होते हैं, जितने भी डिसेबल चाइल्ड होते हैं या मेंस होते हैं उनके लिए अलग अलग स्पोर्ट्स होते हैं। आई थिंक एक व्हीलचेयर स्पोर्ट्स होता है, बास्केटबॉल व्हीलचेयर स्पोर्ट्स होता है, तो ये सारे डिसेबल स्पोर्ट्स है वो अलग, जो जितने डिसेबल पर्सन होते हैं उनके लिए होते हैं। व्हाइल स्पोर्ट्स हैव बी वैल्यू एवरीवन्स लाइफ, इट इज इवन मोर इम्पोर्टेंट इन अ लाइफ ऑफ अ पर्सन विद द डिसेबिलिटी। सबके लाइफ में जो हमारे इम्पॉर्टेंट है, दिस इज बिकॉज ऑफ द रिहेबिलिटी इन्फ्लुएंस स्पोर्ट कैन बी नॉट ओनली द फिजिकल बॉडी ऑल्सो रिहेबिलिटिंग पीपल विद द डिसबिलिटी इज अ सोसाइटी। फर्दर द स्पोर्ट टीचर इंडिपेंड्स नाउअडेज पीपल विद द डिसबिलिटी बट पार्टिसिपेट इन हाई परफॉर्मेंस एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एज द रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स। जैसे ही हम कहते हैं कि डिसेबल के लिए स्पोर्ट्स नहीं होता, तो ये बातें अब गलत हो रही है। डिसेबल चाइल्ड इज ऑल्सो विल बी गो फॉर द कॉम्पिटिशन एंड रिकरेक्शन। द नंबर ऑफ पीपल विद द डिसेबिलिटी इन्वॉल्व इन अ स्पोर्ट एंड फिजिकल रिएक्रिएशन इन स्टेबिलिटी इंक्रीज अराउंड द वर्ल्ड विद द ऑर्गेनाइजेशन स्पोर्ट्स ऑफ एथलेट विद द डिसेबिलिटी डिवाइड इंटू थ्री मेन डिसेबिलिटी ग्रुप्स एंड स्पोर्ट्स ऑफ द डेफ, स्पोर्ट्स ऑफ द पर्सन विद द फिजिकल डिसेबिलिटी एंड स्पोर्ट्स ऑफ द पर्सन विद द इंटेक्चुअल डिसेबिलिटी। कौन कौन से तीन ग्रुप में उन्हें डिवाइड करना चाहता है? स्पोर्ट्स फॉर द डेफ, डेफ के लिए जो लोग बहरे होते हैं उनके लिए स्पोर्ट्स होते हैं। सेकेंड वन द फिजिकल एबिलिटी, उनके हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, उनके लिए जो फिजिकल डिसेबिलिटी होती है। एंड द इंटेलेक्चुअल मीन्स के मंद बुद्धि के लोग होते हैं उनके लिए स्पोर्ट्स होता है। तीन ग्रुप में होंगे। फ्रॉम द लेट 1918 ऑर्गेनाइजेशन बिगिन द इंक्लूडिंग एथलेट्स विद द डिसेबिलिटी इन अ स्पोर्टिंग इवेंट फॉर द ओलंपिक गेम्स एंड कॉमनवेल्थ गेम्स वेयर मैनी sports are practiced by the person with the disability outside of the formal sport moment, for the example wheelchair basketball, wheelchair dancing, weightlifting, swimming and many other sport activity you can join if you mentally or physically disabled। जो लोग mentally और physically disabled हो उनके उनके लिए special type के sports होते हैं। wheelchair sports basketball है, wheelchair dancing है, weightlifting है, swimming है and many other sports activity। Do you like that idea of having the separate sport of disabled? Yes, because of the separate sport they give be क्या कहते हैं उनके लिए अच्छा होता है कि वो स्पोर्टी एक्टिविटी करें और उनके जो उन्हें लगे कि हम लोग सारे एक जैसे हैं। तो इमेज द डिफरेंट स्पोर्ट गेम इन द डिसेबल पीपल, तुम लोग कौन कौन से खेल खिला सकते हो डिसेबल पीपल को, उनके बारे में आपको इमेज करना है। हाउ कैन यू ब्रिंग अ हैप्पीनेस विद द लाइफ ऑफ पर्सन हु डिसेबल, नॉट द टू थिंग यू कैन डू फॉर द कंपेयर द आइडिया ऑफ द फ्रेंड। अब तुम लोगों को लिखना है कि आप डिसेबल की जाए, कोई डिसेबल है उनकी हेल्प कैसे कर सकते हो, उनके बारे में एक दो आइडिया लिखने हैं और आपको अपने फ्रेंड के बारे में क्या, मैं आपको अब पूछूंगी। नाउ एक्टिविटी फाइव से हम नेक्स्ट, ओके नाउ एक्टिविटी फाइव, ओके
Here the experience narrated by the scuba diver. Scuba diver is a water sport. Scuba diving is form of underwater diving in the diverse use of the self-contained undernet breath apparatus breath underwater. Unlike the mode of divide and reply, the other breath hold an air pump due to the surface and other mode of the diving, and this is source of breathing gas, allowing them greater freedom of movement. This is air and equipment may be open circuit and exchange air in an exercise and surrounded by the cloth. Semi-closed and circuit, and this is breath gas and scuba to remove carbon dioxide and oxygen is replaced from the supply and fed gas from the breath. So the scuba dive is also sports. वो कैसे sport होता है कि अंदर जाओ पानी के अंदर deepest से deepest अंदर जाना होता है. उनके अंदर कैसे breathe लेनी है, उनके गैस होते हैं वो कैसे यूज करने हैं, उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हमें कैसे निकालना है, कैसे ऑक्सीजन इनहेल करेंगे, उनके बारे में जो स्पोर्ट्स है वो सारे हैं. लेट अस रीड ऑफ स्कूबा डाइविंग एक्सपीरियंस. किसी का स्कूबा डाइविंग एक्सपीरियंस है वो लिखना है. सम पीपल आर स्कैर्ड बाय द स्कूबा डाइव. सम पीपल लव द स्पोर्ट्स एंड ऑलवेज फाइंड देयर एक्सक्यूजेस टू गो समवेयर ओनली फॉर द डाइव. इफ द स्पोर्ट्स हैज बीन सम सिमिलरिटी विद माय फेवरेट फ्रूट ड्यूरिंग ईदर ऑफ द लव और द हेट. ओके, ड्यूरिन इज अ कटहल कहते हैं, जो हमारा वाला कांटे वाला फूल आता है वो ड्यूरिन कहते हैं, उसे ड्यूराइन कहते हैं. और वो किसी को बहुत पसंद आता है और किसी को तो उनकी उसमें से स्मेल आती है तो वो पसंद नहीं आता. सो टू टाइप्स के होते हैं. वैसे स्कूबा डाइविंग इज लाइक दैट, कि स्कूबा डाइविंग जिसे पसंद है उसे बहुत पसंद है और जिसे नहीं पसंद आती उसे कभी पसंद नहीं आती. सो और जस्ट डूइंग ही करेज ऑन ट्राई. आई बीन थिंकिंग टू टेक कोर्स ऑफ द स्कूबा डाइविंग मंथ अगो, बट वॉजन यू श्योर दैट आई एम स्केयर ऑफ स्नैक्स सी स्नैक्स थिंकिंग अबाउट मेकिंग अ सिक ऑल ऑफ रिटर्न. जो हमारे सी के अंदर जाने के बाद उसके अंदर बहुत सारे जानवर होते हैं, हमें नहीं पता होता कौन कौन से जानवर अंदर है. तो ये है, जो वो स्कूबा डाइविंग के लिए जाना चाहता है बट ही वॉज अफ्रेड ऑफ स्नेक, वो बहुत ही डर गया. बट आई वॉज द क्यूरियस वाई वर पीपल लव सो मच दे आर दे सो अंडर द सी लाइक टोटली डिफरेंट वर्ल्ड येट ब्यूटिफुल वन. And for this, I am taking the risk and to the overcome my fear, possibility of bumping into sea snakes. Okay, तो उन्होंने क्या कहा कि मैंने try, सब लोग इतना कह रहे हैं तो लाखो try करना चाहिए, because मैंने ये risk लेना चाहिए कि भले कितना भी हो, भले मुझे डर लगे sea snake मिले, but I will try. Yeah, can life to me. So after the taking a private lesson from the driving instructor, I went to Iceland. Here is my first experience. मैंने लिया और फिर first dive 12 meter depth and try to not to panic. पहले मैंने क्या किया, 12 meter लिया और फिर मैंने panic ना होने का try किया. What the hell was I am doing? मैं क्या कर रहा हूँ, I said to myself. What if something bad happened? कब मेरे साथ कुछ बुरा हुआ तो. But I kept positive thought. It is going to be wonderful expedition. मेरे लिए ये बहुत ही अच्छा होगा. मैंने training ली है, मुझे कुछ नहीं होगा. That is a snake of the myself and went down deeper and deeper. I could feel that my heart beat fast and my ear hurts. So I went deeper. Following my divining instructor, I equalized my ear often and I felt comfortable to explore the undersea. Suddenly, all around was green. It felt like in a green world. Really, it is far from I could see. If everyone was green, I saw the corals, big ones. One of the looked like a giant mushroom. I saw that the sea urchins. Two, the lot of fish finding in a sand. I was enjoying the scenery all around us, and until my instructor waved at the me and her hand and holding the pink fin. What that pink look, the fin look familiar, I thought, and yes, that is my fin. Ha ha ha, I don't realize that my right fin is managed to release itself and my right foot. I was choked from the laughing with the regulator and mask attached with my face. So I was first dive in total five times in 2 days and managed to
drive up in a 18 meter depth. And next drive was smooth and so didn't lose my fin. Was happy to see that the different type of fish swimming around of me. It is the invisible sea and definitely look the beautiful under that. Using the amazed realization thought of the creature and living under the sea peacefully, I was indeed wistful of the down, so that quiet, all I'd want is breath and breathing out, breathing in, enjoying the green world and it is inhabitable around me. ओके सो उनका ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था. आपको क्या लिखना है? दिस इज स्कूबा डाइविंग एक्सपीरियंस. तुम लोगों की लाइफ में कोई भी एडवेंचर स्पोर्ट्स है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपने पहली बार ट्राई की है और उसका एक्सपीरियंस है, उसका रिपोर्ट आपको इसी तरह एक लिखना है. आपको होमवर्क में सारे के सारे ने एक बार लिखना है कि कौन सी चीज़ें आपने की है. भले स्पेलिंग गलत हो, भले गलत हो, सब कुछ गलत हो, बट आपकी फीलिंग्स है वो सारी लिख के इंग्लिश में आपको ये सबमिट कराना है होमवर्क में. ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय.